अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेर खान है। तो ये केन का जोड़ा काम है पिछले 50 साल तो जोड़ा है ना मतवातन हो रहा है, तो सू बहुत अरसा हो गया। ये पाईदारी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, ये ऑलरेडी डेकोरेट और दूसरी चीज़ बैड हो गया, सोफा हो गया, तो लाइफ टाइम गरंटी है। फिर वजन दे भी हल्का है, तो लकड़ वाला काम नहीं है जिन घुन कीड़ा वगैरह लगे। इस वास्ते केन जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इतने नहीं बाहर के ममालिक भी बहुत ज़्यादा जाता है। और यदि सब तो वड्डी गल ये कि इन लाइफ टाइम चलना, यदि कोई टेंशन नहीं, और सुकून ईजी फील, बैड तो लैके रोकिंग चेयर हो गया, सैट हो गए, हर चीज़ टोटल तैयार होती है। देखो कोई भी काम है वो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता, तो आसान भी नहीं होता। हर काम वास्ते जोड़ा ना अपना एक तरीकाकार, अपना माइंड बनाना पैंदा जेन कि हाँ जी ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जे अगर कर सकता है बंदा तो पता लग जाता, नहीं करने वाला तद भी पता लग जाता। केन का जो फर्नीचर है ना इन्ना मुश्किल है, सिर्फ अपने जेन में बनाना पैंदा कि हाँ जी इन इस तरीके ना बनाना है, तो फिर बंदा बंद चलता रहता है। नहीं करने वाला हो बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता, बकाया कोई एडी गल नहीं। कोई भी काम होए सीखने वास्ते दिमाग ला दे। केन वर्क स्टैंड जो है ना ना ज़्यादा महंगा है तो ना ज़्यादा सस्ता है, दरमियानी कीमत के बीच है, ताकि जो है ना सब इन इस्तेमाल कर सकन, लै सकन आसानी। तकरीबन टोटल ममालिक जोड़े है ना इन पसंद कर देने। ये खूबी बड़ा कि ये ठंडा है, गर्मी गर्म है, सर्दियों ठंडा है, इन टेंशन कोई नहीं। सौ किस्म बीमारियों का ना हल भी ये केन दे विच, बैड तो लैके संगार में सोफा सैट हो गया, मूड़े हो गए, डेकोरेटर पीस, कोई भी टोकरी वगैरह, हर आइटम ये तैयार होंगी। केन अपने आप जोड़ा ना इंसान बना सकता, जो चीज़ दे दोगे ना वो बन जाएगी। मैं इस पेशे दे विच पहले मेरे वालद साहब करते सन, उन्होंने को मैं सीख के मन तकरीबन 26-27 साल हो गए ने इस काम के। देखो जिन्हें समझ ही है बहुत तारीफ करते हैं, तो लैके इस्तेमाल भी करते हैं, तो ये जोड़ा है ना बहुत ज़्यादा तादाद इस टाइम बिकना शुरू हो गया। सब तो ज़्यादा जोड़ा है ना साढ़ा जो केन का झूला है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। टोकरी हो गई, छोटा बंदा भी लैके जाता, वड्डा बंदा भी लैके जाता, हर एक ने एक ना अपना किसी गिफ्ट वगैरह देना, तो वो फिर उस हिसाब न लैके जाए।